दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजरे जमाने की ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने बॉलीवुड में 42 साल की उम्र में डेब्यू किया था। 42 की उम्र में डेब्यू करने के बाद भी अभिनेत्री ने इस तरह बेहतरीन अदाकारी की कि लोग इनकी अदायगी के दीवाने हो गए और इनके पीछे फिल्मों की लाइन लग गई। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री सुषमा सेठ हैं। हिंदी सिनेमा की वरिष्ठ अभिनेत्री सुषमा सेठ को फिल्मों में ज्यादातर माँ और दादी का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। ये पर्दे पर ऋषि कपूर, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसे कई बेहतरीन हिंदी फिल्मों के कलाकारों की दादी और माँ का किरदार निभा चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुषमा सेठ आजकल कहाँ है और अब कैसी नजर आती है? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अभिनेत्री के आज के हालात के बारे में बताने वाले हैं। अभिनेत्री सुषमा सेठ का जन्म 1936 में दिल्ली में हुआ था, लेकिन हिंदी सिनेमा में अपनी पहली फिल्म मिलने तक वो 42 साल की हो चुकी थी। श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी फिल्म जुनून सुषमा सेठ की पहली फिल्म रही, लेकिन इसके बाद उन्होंने करियर में कई बुलंदियां हासिल की। सुषमा सेठ ने फिल्म में शशि कपूर के किरदार जावेद खान की चाची का किरदार निभाया था। यहीं से सुषमा सेठ का फिल्मों में दादी और माँ बनने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद इन्होंने राम तेरी गंगा मैली, चांदनी, दीवाना, कभी खुशी कभी गम और कल हो न हो जैसी चर्चित फिल्मों में काम किया। बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि अभिनेत्री ने अपनी चाची और दादी वाले किरदार छोटे पर्दे पर भी अदा किए हैं। छोटे पर्दे पर भी इनको खूब लोकप्रियता मिली है। अगर बात की जाए अभिनेत्री के आज के हालात की, तो आज अभिनेत्री अपनी जिंदगी के 85 साल पूरे कर चुकी हैं, जिसकी वजह से ये पहले से काफी ज्यादा बूढ़ी नजर आती हैं। वैसे तो अभिनेत्री ने बड़े और छोटे दोनों पर्दों से दूरी बना ली है, लेकिन इनकी दादी माँ वाले किरदार को कोई भुला नहीं सकता। अभिनेत्री पिछले 10 सालों से एक एनजीओ में काम कर रही हैं, जिसमें वे डांस सिखाने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, आपको सुषमा सेठ के आज के हालात के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और चटपटी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।